हाल चाल है दोस्तों। हम टीवी अवार्ड्स खत्म हो गए और जो है जो जो रिपोर्ट्स आई भाई वो विनर बन गया, उस पर मैं वीडियो बना चुका था कि भाई कुछ लड़कियों ने फैशन ऐसा किया जो एक इंटरनेशनल लुक देता है। अब आपको पता है कीर्ति जो है वो आईफा में कितनी खूबसूरत लगती है। मतलब यार ये जो ड्रेसिंग होती है ना जो कीर्ति और बॉलीवुड वाले करते हैं, इसका एक अलग ही ऑरा होता है, मतलब उसमें अच्छा भी लगता है। पर पाकिस्तानी जब करते हैं ना तो वो एक हो जाता है यार, ये अजीब लगता है। क्योंकि इस वजह से भी अजीब लगता है क्योंकि ऐसी इंडस्ट्री है नहीं। अगर हमारी ड्रामो इंडस्ट्री में देखा जाए तो ऐसे कोई कपड़े पहनता नहीं है ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर, मतलब ड्रामो के अंदर। तो बंदा ये बोले कि यार ये यहाँ तो कुछ और है वहाँ कुछ और है। बहरहाल सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। हानिया आमिर ने बड़ा अच्छा ड्रेस पहना था पर उसमें भी वो अनकम्फर्टेबल थी। अब लोग तो एक एक चीज़ पकड़ते हैं, आप लोगों को पता है, तो वो एक एक चीज़ देख रहे होते हैं। अच्छा इसने ये पहन लिया, अच्छा उसने वो पहन लिया, अच्छा इसने ये इतने छोटे पहन लिए कपड़े। वैसे इस बार जो हम टीवी के अवार्ड में इतने लोगों ने गंदे कपड़े नहीं पहने जितने हम समझ रहे थे पहनेंगे। हिबा बुखारी पर थोड़ी सी क्रिटिसिज्म हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी बैली दिखा दी। मतलब मैं क्या बातें बताऊँ यार, ये चीज़ें होती हैं। यमुना जो है वो स्क्रिप्ट देखकर पढ़ रही थी तो उस पर भी लोग कह रहे हैं भाई ये स्क्रिप्ट क्यों पढ़ के देख रही थी, क्या इनको लाइन जो है वो याद नहीं है। देखो रमशा को कितने अच्छे तरीके से याद है। तो जो यमुना के जो हेटर्स हैं वो भी यमुना को क्रिटिसाइज इस वजह से कर रहे कि वो सही तरीके से पढ़ी नहीं। मतलब ऐसे नहीं होते जैसे ऑडियंस को देख कर बात करना, वो नहीं किया। तो अब इसमें यार उसका क्या कसूर, मतलब थोड़ा बहुत इंसान अगर कर लेता है तो उसमें ये थोड़ी है कि उस पर भाई उसको परफेक्ट ही होना है। गलतियां तो हर एक से हो जाती हैं, अगर हो रही हैं तो कोई मसला नहीं है, पढ़ रही है तो पढ़ने दो उसको, अच्छी फिर भी लग रही है वो। पर यार लोगों का काम है बोलना, लोग बुरा भला बोलते रहते हैं। अब मायरा डांस कर रही थी वो हम सफर था तो उसका मजाक बन गया। तो मतलब हर चीज़ पर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत नुक्ताचीनी कर रहे थे लोग। पर हो गया, चलो हम टीवी अवार्ड्स अच्छा रहा। और अवार्ड्स तो इन लोगों ने अपने लोगों को ही दिए जिससे मुझे हमेशा उम्मीद रहती है कि ये अपने लोगों को ही बांटते हैं हर चीज़। बाकी जो इंसिडेंट्स हुए कॉमेडी वाले नहीं बोल सकते, मतलब दाना नीर का जो है ना क्या कहते हैं ड्रेस जो है वो आ गया था जिसकी वजह से वो गिरनी थी तो खुशहाल आ गया था, तो ये थोड़े से सीन। फिर ये भी बात हुई कि प्रेस से बदतमीजी हुई हम के जो अवार्ड्स थे इसमें, पाकिस्तानी अवार्ड्स में प्रेस से बदतमीजी की गई, ऑडियंस को इतना अच्छे तरीके से लुक आफ्टर नहीं किया गया, चिड़चिड़ के जो है क्या कहते हैं तस्वीरें बना गई। हालांकि द फैक्ट इज के यमुना के पास आए थे लोग तस्वीर खिंचाने, हानिया के पास आए थे और वो दोनों ने बड़ी प्यार से तस्वीरें खिंचाई। तो ये तो मैं नहीं मान सकता कि ऑडियंस के साथ बदतमीजी की। अब ये कौन लोग हैं जो बोल रहे हैं ऑडियंस के साथ बदतमीजी की, ये मे भी हो सकता है वहाँ पे खड़े हों, किसी ने मुंह नहीं लगाया हो या लिफ्ट नहीं कराई हो तो वो ऐसी बातें कर रहा हूँ जी। इंडिया के जो अवार्ड्स हैं उस पर काफ़ी तारीफ की गई, भाई प्रेस बड़े अच्छे उससे ट्रीट किया यार उनकी। देखो तुम लोग क्या क्या बहुत ज़बरदस्त किस्म के उनकी पीआर है, उनका सारी चीज़ें हैं तो वो देख कर ही करते हैं काम। अब यहाँ पे तो एकदम से बौखलाए जाते हैं ना लोग, अगर उनसे गलती भी होगी तो छोड़ो यार क्या बोल सकते हैं। बहरहाल तुम लोग को इसके बारे में क्या कहना मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं कहा इस पर भी एक वीडियो होनी चाहिए। एम टी वी अवार्ड्स पर जो है ना लास्ट ही वीडियो है उस पर हम वापस अपनी तेरे बिन और उस पर आ जाएंगे, सुन मेरा दिल पे। तो अपना ख्याल रखो, नेक्स्ट वीडियो।